Hello friends, welcome to channel guys. So in this video we will discuss mock test 5 or mock test from the unit 5. Okay, and this is the part 1. This video will be in the two part because unit 5 काफी important unit है और यहाँ से काफी अच्छे question बन जाते हैं और बहुत सारे exam होते हैं जहाँ पर unit 5 से question आ जाते हैं. ये जो unit 5 है वो है research methodology. Okay. इसको आप आरएम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके नेट एग्जाम के लिए. ऑफ कोर्स पेपर वन में 5 क्वेश्चन रहेंगे, पेपर टू में 10 क्वेश्चन रहेंगे. इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं. ये तो पूरा बोल सकते हैं पूरा पेपर ही रहता है रिसर्च मेथोलॉजी का, राइट. इसके अलावा मास्टर्स में भी एक सब्जेक्ट होता है और इसके अलावा इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, बायवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसर्च के. तो ये जो है यूनिट 5 काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए, इसलिए इसमें जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसमें डाले हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. एंड दे हैव डिफरेंट कैटेगरी, लाइक कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि एक केस दिया रहता है, केस को आपको पढ़ना है और उसका आंसर बताना है कि किस प्रकार का स्टडी है, किस प्रकार का रिसर्च है, या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है, या फिर कुछ पी वाई क्यू इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू हैं जो रिपीटेड है. तो अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हुए हैं इस मॉक टेस्ट के अंदर, तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है. ओके, उसके बाद आपने एवेल्युएट करना है आपकी प्रिपरेशन को, कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में लास्ट में मेंशन करना है कि आपके कितने आंसर जो हैं करेक्ट हुए हैं पार्ट वन में और एज ए पार्ट सेकंड में. दोनों में दो वीडियो रहेंगे यूनिट 5 के. सो नाउ लेट स्टार्ट. बिफोर बिगिन दिस इज ऑल अबाउट मी. यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं, ये नंबर है. अगर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या फुल कोर्स को तो आप इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं. दीज आर दी टेलीग्राम चैनल, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल वर्क एंड वीमन स्टडी. इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ओके, दिस इज दी एप्लीकेशन. ये मोबाइल एप्लीकेशन है, यू कैन फाइंड इट ऑन दी गूगल प्ले स्टोर. ये जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर आप जाएंगे या पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं सी पी यादव क्लासेस के नाम से ऑन दी गूगल प्ले स्टोर. वहाँ से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको आप इंस्टॉल करिए और यहाँ पर सभी कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप यू वांट टू ज्वाइन द कोर्सेज, दीज आर द कोर्सेज. ओके, टारगेट 2021 क्रैश कोर्स, 1 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड सोशल वर्क टेस्ट सीरीज. ये सभी के सभी कोर्स आपके रहेंगे एग्जाम हो जाने के 15 डेज तक, एग्जाम डेट प्लस 15 डेज. ओके, और अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं फिर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. इसमें ये जो डेली क्वेजेज हैं, इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, प्रीवियसर क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल है. सो यू कैन इजीली एक्सेस ऑल दिस थिंग्स. फ्री फ्री क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल है, दे कैन ऑल्सो यू कैन एक्सेस विदाउट ज्वाइनिंग द कोर्सेज. सो यू शुड इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट स्टार्ट. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको देखिए, सबसे पहले आप वीडियो को वॉच करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए, उसके ऑप्शन पढ़िए, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं. ओके, क्या इसका आंसर हो सकता है, उसको समझिए क्वेश्चन को. ओके, इसी तरीके को आपको फॉलो करना है पूरी वीडियो में. ओके ओके, बिकॉज अगर मैं क्वेश्चन को मैं पढ़ दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप इजीली उसका आंसर लगा सकते हैं और एग्जाम में आपको खुद ही समझना होगा ना, खुद ही क्वेश्चन को पढ़ना होगा, सभी ऑप्शन को पढ़ना होगा, उसको खुद ही एक्सप्लेन करना है और आंसर निकालना है. सो इट इज़ बेटर कि इसको आप हैबिट में डालिए क्वेश्चन को. यहाँ पर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके आंसर देखना है, ये सॉरी ऑप्शन देखना है, उसके बाद आंसर निकालना है और आपका जो आंसर होगा वो आप मैच करा सकते हैं मेरे आंसर से. ओके, सो यू हैव टू फॉलो दिस अप्रोच थ्रू आउट द वीडियो. ओके, सो जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, इन फाइनलाइजिंग अ थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस. आपको बताना है कि सप्लीमेंट्री पेजेस का 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा हिस्सा होगा. लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट्स, सॉरी टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, कंक्लूजन ऑफ द स्टडी एंड बिबलियोग्राफी एंड अपेंडिसिस. तो इनमें से कौन सा जो हिस्सा होगा सप्लीमेंट्री पेजेस का. क्वेश्चन में बात की जा रही है थीसिस राइटिंग फॉर्मेट की. ओके, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है. ओके, उसको फॉलो करना पड़ता है इन दी थीसिस और यू कैन से इन द डिसर्टेशन. ओके, आपने भी मास्टर्स में फील्ड वर्क किया होगा तो उसकी आपने रिपोर्ट तैयार की होगी
उसमें भी आपने एक यही प्रोसेस यही स्टेप्स फॉलो किए होंगे, एक एक ही फॉर्मेट को फॉलो किया होगा। ओके सो व्हाट इज द फॉर्मेट, जो फ्रंट मैटर होता है, फ्रंट मैटर बोल सकते हैं या फिर इसमें प्रीलिमिनरी बोल सकते हैं। शुरुआत के स्टेज में सबसे पहले आता है आपका टाइटल, टाइटल पेज, टाइटल पेज के बाद आएगा आपका एक्नॉलेजमेंट, नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट, ओवरऑल जो स्टडी आपने की है उसको, नेक्स्ट आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, नेक्स्ट आएगा लिस्ट ऑफ फिगर्स, जो भी डायग्राम फिगर्स आप उसमें इंक्लूड करेंगे स्टडी में, और लिस्ट ऑफ टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स के माध्यम से आप एक्सप्लेन करते हैं अपनी स्टडी को, तो वो लिस्ट ऑफ टेबल ये आपके आगे फ्रंट मैटर में प्रीलिमिनरी स्टेज में आएंगे। ओके उसके बाद आता है मेन बॉडी, जहाँ पर मेन कंटेंट होता है, इंट्रोडक्शन, ओके रिसर्च, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसको आरओएल बोलते हैं, नेक्स्ट आता है मेथोलॉजी, इसके बाद स्टडी के बाद आएगा आपका रिजल्ट, एंड लास्ट में डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, दीज आर द पार्ट ऑफ द मेन बॉडी। और इन द लास्ट पार्ट, और यू कैन सी इन द एंड मैटर, और दीज आर सप्लीमेंट्री पेजेस विच इंक्लूड बिबलियोग्राफी, अपेंडिसेस, इसके अलावा फोटोग्राफ्स वगैरह भी इसमें ऐड रहते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो एक्स्ट्रा बच रहती हैं वो आपको एंड मैटर में आप ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर द फॉर्मेट ऑफ थीसिस एंड दी, ओके थीसिस एंड डिसर्टेशन फॉर्मेट। सो डी विल बी करेक्ट, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस वुड बी द फॉर्म पार्ट ऑफ द सप्लीमेंट्री पेजेस, सो डी विल बी करेक्ट। हियर इज द एक्सप्लेनेशन, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, फ्रंट मैटर में क्या क्या कॉन्टेंट रहेगा जो मैंने अभी बताया, और मैन बॉडी, एंड दीज आर द एंड मैटर, अपेंडिसेस, बिब्लियोग्राफी, फोटोग्राफ्स वगैरह, दीज आर दिस एज ए सप्लीमेंट्री पेजेस। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डिसर्टेशन एंड द थीसिस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, आपको ये बताना है कि अगर हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन दिस सीक्वेंस, सही क्रम में आपको बताना है। क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, बेसिकली चार टर्म यहाँ पर दी गई है, एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, इनको सही क्रम में आपको लगाना है। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो इन द एक्शन रिसर्च दे स्टेप साइकिल जिसको फॉलो करना होता है थ्रू आउट दिस एक्शन रिसर्च। सबसे पहले प्लान आता है, ओके जो भी गोल है उनको आइडेंटिफाई करना, राइट, एम एंड ऑब्जेक्टिव, उसी के अनुसार आप स्टडी करेंगे। सो प्लान विल बी द फर्स्ट पार्ट। सेकंड आता है एक्ट, अब आपके पास जो प्लान है उसमें आपको एक्शन लेना है, एक्ट करना है, उस टास्क को परफॉर्म करना है, राइट, सेकंड विल बी एक्ट। ओके फर्स्ट प्लान, सेकंड एक्ट, तीसरा आएगा आपका, तीसरा स्टेप ऑब्जर्व, राइट, आपने जो एक्शन लिया है दे हैव टू ऑब्जर्व, ओके एनालाइज थिंग्स। तीसरा आता है रिफ्लेक्ट, तीसरा स्टेप जो है रिफ्लेक्ट है, सो व्हाट यू हैव अचीव थ्रू आउट दिस प्रोसेस, थ्रू आउट दिस रिसर्च, व्हाट आर द इश्यू, व्हाट आर द चैलेंजेस, ओके आपको एवेल्युएट करना होता है पूरी स्टडी को, पूरे एक्शन को, जो भी आपने एक्शंस लिए हैं अंडरस्टैंड करना होता है, और जो चैलेंजेस, जो जो इशू हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उससे उसके अनुसार आपको दोबारा प्लान बनाना है, और अगेन सेम साइकिल रिपीट होगी। सो दिस इज द एक्शन रिसर्च स्टेप साइकिल। ओके प्लान, फर्स्ट आएगा आपका प्लान, नेक्स्ट आएगा एक्ट, थर्ड आएगा आपका ऑब्जर्व, एंड फोर्थ आएगा रिफ्लेक्ट। सेकेंड विल बी राइट आंसर इन दी एक्शन रिसर्च स्टेप्स प्रोसेस। हियर द एक्सप्लेनेशन, इसको आप एक बार देख सकते हैं, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट।
बेस्ट तरीका होता है कि आप लिखें जो भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया। अगर आपको नहीं आता है तो आपको लिखना चाहिए, लिखने से क्या होता है कि आपको याद हो जाता है। ओके, स्नैपशॉट ले लेंगे आप, हो सकता है दोबारा उसको देखे भी ना कभी, राइट। सो इट इज़ बेटर कि आप उसको लिख लें। जैसे कि यूनिट 5 है, यूनिट 5 में इसमें पार्ट 1 में 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है। उसमें से मान लीजिए आपके 5 या 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो 5 10 क्वेश्चन को आपको प्रॉपर लिख लेना है, रिमार्क दे करके रिमार्क करना है कि इसमें क्या मिस्टेक हुआ है। ओके, उसमें क्या एक्सप्लेनेशन है उसको आपको लिख लेना है और उसको आपको रिवाइज करना है। यही बेस्ट तरीका होता है ओके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, उसको एवेल्युएट करके दोबारा उसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स मे बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। आपको बताना है कि रिसर्च के किस स्टेज में, बहुत सारे स्टेज होते हैं रिसर्च के, तो किस स्टेज में रिसर्च एथिक्स ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है या उसको कंसिडर करना पड़ता है एथिक्स को। ओके, किस स्टेज में, जैसे कि रिसर्च हम करते हैं तो प्रॉब्लम फॉर्मेट करते हैं, राइट, ई मेन ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं, फिर उसके अलावा डेटा कलेक्ट करना होता है, डेटा को एनालाइज करना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है, ये सभी जो स्टेप्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है एथिक्स जो है कहाँ पर कंसिडर करना होता है, एट विच स्टेज। सो एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स डेफिनेशन, जब हम समस्या को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, उसको परिभाषित करते हैं रिसर्च फॉर्मेट में, उस समय पर हमको एथिक्स देखना होता है, एथिक्स को कंसिडर करना होता है। एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, या फिर जब हम पॉपुलेशन जो है, या बोल सकते हैं रेस्पॉन्डेंट जो होते हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं उस समय पर, या फिर एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग दी फाइंडिंग्स, या फिर जब हम फाइंडिंग को निकालते हैं, फाइंडिंग बनाते हैं उस समय पर हमको जो है रिसर्च एथिक्स को जो इश्यू है उसको कंसिडर करना पड़ता है। सो विच इज द राइट आंसर। सो अगर हम बात करें रिसर्च एथिक्स की, तो जनरली हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं उस समय पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, बिकॉज डेटा कलेक्शन कहाँ से होता है, फ्रॉम द रेस्पॉन्डेंट, राइट। सो वी हैव टू फॉलो सम काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स, राइट, जब हम रेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का। ओके, उसके अलावा बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे एथिक्स हैं, हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो ये सभी चीज़ें ज़्यादा फॉलो की जाती हैं जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा को जब इंटरप्रेट करते हैं, राइट। सो सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच सिक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज अ लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए हैं, इनमें से कौन सा रिसर्च स्टेप्स जो है वो लॉजिकल है, ये मतलब एक सही सिक्वेंस जो है रिसर्च स्टेप्स का है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, और सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ओके, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, जहाँ पर आपको एक एक काइंड ऑफ केस दिया रहता है, उसको पढ़ के आपको बताना होता है कि क्या आंसर होगा। दूसरे कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ PYQ भी है, कुछ नए क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। इसी वजह से इसको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है बनाया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन स्किप ना हो पाए। इसको पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। सही सीक्वेंस क्या है रिसर्च स्टेप्स का? देखिए, रिसर्च स्टेप्स में सबसे पहले तो होता है कि आपको एक प्रॉब्लम को बनाना होता है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अगर प्रॉब्लम भी नहीं होगी तो आप स्टडी किस चीज़ पर करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होता है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। क्योंकि आप स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप कोई प्रॉब्लम है उस पर स्टडी करना शुरू कर दिया, आपको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा सही तरीके से, उसके अनुसार आपको ऑब्जेक्टिव एम बनाने पड़ते हैं, क्वेश्चन तैयार करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आएगा जस्ट फॉर्मुलेट दी प्रॉब्लम, सो यू जस्ट एलिमिनेट अदर ऑप्शन लाइक डेवलपिंग दी रिसर्च डिजाइन। आप रिसर्च डिजाइन किस पे करेंगे? अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका डिसाइडिंग अबाउट द सैम्पल एंड डेटा कलेक्शन, तो ये भी नहीं होगा, इसके पहले तो और भी स्टेप्स होते हैं, राइट, जैसे हाइपोथेसिस बनाना और उसके ऑब्जेक्टिव एम तैयार करना, क्वेश्चन तैयार करना, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभी आपके फर्स्ट एंड
सी ऑप्शन बचा हुआ है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस मेकिंग। देखिए, हाइपोथेसिस पहले बनाई जाती है, उसके बाद आप रिसर्च डिजाइन करते हैं, राइट। सो हाइपोथेसिस पहले आएगा तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अभी आपका ऑप्शन सी बचा हुआ है, पहले प्रॉब्लम को बनाना, हाइपोथेसिस बनाना, उसके अनुसार एक काइंड ऑफ टेंटेटिव थ्योरी जिस पे आप स्टडी करेंगे, उसके बाद आप रिसर्च डिजाइन करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं पूरी स्टडी का, कैसे आप स्टडी करने वाले हैं, उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करना होता है, डेटा को एनालाइज करना होता है, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन, कंक्लूजन, रिजल्ट निकालते हैं। सो सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट। यहाँ पर एक प्रिंसिपल के द्वारा, स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा एक इंटरव्यू जो सेशन जो है कंडक्ट किया गया है टीचर और स्टूडेंट का, विद द व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एनहेंस पार्टिसिपेशन इन द स्कूल प्रोग्राम। इस उद्देश्य के साथ कि जो स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो पाए सभी टीचर्स और स्टूडेंट का। ओके, तो आपको ये बताना है कि किस प्रकार की रिसर्च कहलाएगी। यहाँ पर एक केस दिया गया है आपको, ऐसे क्वेश्चन आप आने लगे एग्जाम में, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, आपको एक केस दिया रहेगा। ओके, आपको उसको समझ करके बताना होगा किस प्रकार की स्टडी है। यहाँ पर एक प्रिंसिपल जो है स्कूल का एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है टीचर्स का, स्टूडेंट का, इस व्यू के साथ कि जो है जो पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो पाए सभी सभी स्टूडेंट की, टीचर्स की, इन दी स्कूल प्रोग्राम्स में, तो किस प्रकार की स्टडी कहलाएगी, किस प्रकार का रिसर्च कहलाएगा। एवेल्युएशन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। देखिए, फंडामेंटल रिसर्च तो होगा नहीं क्योंकि वो बेसिक रिसर्च होता है, वो क्योंकि नॉलेज के लिए किया जाता है, तो ये होगा नहीं। एवेल्युएशन रिसर्च भी नहीं है। अब दो ही ऑप्शन बचे हैं आपको बताना है कौन सा, अब एक्शन रिसर्च होगा या फिर अप्लाइड रिसर्च होगा, विच आंसर विल बी करेक्ट। सो सी विल बी करेक्ट आंसर, एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च होगा, क्योंकि जनरली ये जो केस है ऐसी प्रॉब्लम, स्कूल प्रॉब्लम्स जो है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको इमीडिएट सॉल्व करना होता है या उनका तुरंत इम्पैक्ट देखना होता है, तो वहाँ पर हम एक्शन रिसर्च करते हैं। ओके, सो यू कैन से आल्सो स्कूल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एक्शन रिसर्च, सो सी विल बी करेक्ट। इन द अप्लाइड रिसर्च बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा थोड़ी साइंटिफिक स्टडी की जाती है। ओके, सो सी विल बी करेक्ट आंसर, एक्शन। फिर द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च के बारे में बताया गया है कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, और जबकि एक्शन रिसर्च जो होती है दैट इज़ वेरी यूजफुल टू सॉल्विंग द क्लासरूम प्रॉब्लम्स। ओके, सो यहाँ पर एक्शन रिसर्च विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि जो अप्लाइड रिसर्च होती है जनरली हम यूज़ करते हैं इसमें, देन वी यूज सो मच नॉलेज, वी यूज सम काइंड ऑफ वेरी साइंटिफिक वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सो यहाँ पर एक्शन रिसर्च विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ परसुइंग रिसर्च। आपको बताना है कि इनमें से शुरुआत में जो है इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द परसुइंग रिसर्च, किसी भी रिसर्च को करने के लिए शुरुआत में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनिवार्य है, क्या आवश्यकता होती है प्रारंभिक तौर पर। तो रिसर्च डिजाइन तैयार करना, रिसर्च क्वेश्चन को बनाना, डेटा एनालिसिस प्रोसीजर को निकालना, डिसाइड करना क्या प्रोसीजर होगा, किस प्रकार से डेटा एनालिसिस किया जाएगा, या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना। सो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सो जैसे मैंने बताया कि जब भी रिसर्च की जाती है तो रिसर्च करने से, स्टार्ट करने से पहले हमको एक प्रॉब्लम को तैयार करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट करना पड़ता है। सो सबसे पहले प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, आप स्टडी किस पे करेंगे, यू शुड हैव द बेस ना, सो बी विल बी करेक्ट आंसर, फॉर्मुलेटिंग आर रिसर्च क्वेश्चन। ओके, प्रॉब्लम होगी उसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने के बाद आप फिर हाइपोथेसिस तैयार करेंगे, सो सेकंड विल बी राइट आंसर, रिसर्च क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग प्रॉब्लम, देन यू मेक क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम, देन यू मेक द हाइपोथेसिस। सो यहाँ पर
प्रॉब्लम मेंशन नहीं है, सो आप बोल सकते हैं रिसर्च क्वेश्चन विल बी द इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ परसुइंग रिसर्च, सो बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज। अभी आप डिस्कस दिस क्वेश्चन राइट, सो ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके वो उसका जो है पैटर्न चेंज कर देंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि थीसिस राइटिंग का जो फॉर्मेट है इज द सेम एज प्रेपरेशन ऑफ रिसर्च पेपर आर्टिकल। आपको ये बताना है कि जैसे कि थीसिस राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है ना, चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि किसका सेम फॉर्मेट होता है जैसा कि थीसिस राइटिंग का होता है, रिसर्च आर्टिकल का, या फिर जो सेमिनार में जो प्रेजेंटेशन दी जाती है उसका। ऑफ कोर्स उसका तो नहीं होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है प्रेजेंटेशन सेमिनार जो करते हैं, एंड रिसर्च डिजर्टेशन और वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस पेपर जो प्रेजेंट करते हैं उसका भी डिफरेंट रहता है फॉर्मेट, पर डिजर्टेशन का और थीसिस राइटिंग थीसिस का दोनों का एक ही जैसा फॉर्मेट होता है जैसे मैंने बताया था। ओके, सो सी विल बी राइट आंसर। ये द एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 8, अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन अ एरिया, किसी एरिया में पॉलिटिकल किसी पॉलिटिकल पार्टी ओके के प्रोस्पेक्ट को स्टडी करना चाहता है, इंटरेस्टेड है कोई रिसर्चर, व्हाट टूल शुड ही प्रेफर टू स्टडी। आपको बताना है कि कौन सा टूल जो है एक रिसर्चर के द्वारा यूज किया जाएगा उसको स्टडी करने के लिए। ओके, किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टडी करने के लिए। रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, क्वेश्चन आयर और शेड्यूल, सो विच आंसर इज करेक्ट। देखिए रेटिंग स्केल तो यूज होगा नहीं यहाँ पर, क्वेश्चन आयर, इंटरव्यू और शेड्यूल में कौन सा सही होगा। क्वेश्चन आयर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन आयर हम लोग यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन आर का मतलब होता है कि क्वेश्चन आर हम किसी को भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से दूसरे को शेयर कर सकते हैं, वो उसको फिल कर सकता है अगेन राइट, और आपको दोबारा सेंड कर सकता है। और जनरली क्वेश्चन आर हम लोग जहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर लोग थोड़े से पढ़े लिखे हो राइट, दे कैन ईजली राइट एंड मार्क द आंसर, सो यू कैन राइट सी विल बी राइट आंसर, क्वेश्चन आर विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। जैसे मैंने डिस्कस किया कि एथिक्स के बारे में जो एथिकल नॉर्म्स होती है उनको आपको फॉलो करना पड़ता है थ्रू आउट द रिसर्च। ओके, सो जो एथिकल नॉर्म्स है कहाँ पर हम लोग यूज नहीं करते हैं तो भी चलेगा, या बोल सकते हैं उनकी जो गाइडलाइंस होती हैं उनको जरूरत नहीं होती फॉलो करने की इन पर्टिकुलर स्टेप्स ऑफ रिसर्च, जैसे कि थेसिस फॉर्मेट में कॉपी राइट, ओके, पेटेंटिंग पॉलिसी, डेटा शेयरिंग पॉलिसी। तो ऑफ कोर्स जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था थेसिस फॉर्मेट, अब फॉर्मेट में है जो है एथिकल नॉर्म्स नहीं आती है, फॉर्मेट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज यूनिवर्सिटी, बट जो फॉर्मेट लगभग एक ही जैसा रहता है उसमें एथिकल कंसिडरेशन नहीं होता है कोई भी, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें एथिक्स फॉलो करना है। ओके, सो ये विल बी करेक्ट आंसर, कॉपी राइट ऑफ कोर्स इट इज़ अ एथिकल नॉर्म्स, पेटेंट वगैरह या इसके अलावा जब कोई कंटेंट शेयर करना होता है, डेटा शेयरिंग पॉलिसी, तो ये सभी के सभी आपकी आती है एथिकल नॉर्म्स के अंदर, बट थीसिस फॉर्मेट इज नॉट कंसिडर्ड इन द एथिकल नॉर्म। ओके, सो ये विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। रिसर्च की मीनिंग के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला दिया गया है कि रिसर्च रेफर टू अ सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज अंडरटेकिंग टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ओके, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ओके एक गतिविधि, एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी की जाती है, उसे हम बोलते हैं रिसर्च। दूसरा ऑप्शन दिया है कि एक सिस्टमेटिक है, लॉजिकल भी है और अनबायस्ड है। वी आर अ वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल कैन बी डन। ओके, इसमें बोला जा रहा है कि एक काफ़ी लॉजिकल है, अनबायस्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है रिसर्च, और इसके माध्यम से हम हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और उसके माध्यम से जो है हम रिसर्च करते हैं। इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टुवर्ड ट्रूथ, सच्चाई को खोजने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए एक बौद्धिक जाँच है।
एंड इट लीड टू द एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, जिसके माध्यम से हमको ग्राफ ज्ञान की प्राप्ति होती है, या बोल सकते हैं नॉलेज में वृद्धि होती है। ओके okay. तो ऑफकोर्स चारों के चारों जो ऑप्शन है करेक्ट है रिगार्डिंग द रिसर्च, सो डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म इक्वली वेल इन द न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये स्टेटमेंट क्या दिखाता है, क्या इंडिकेट करता है, क्या इंगित करता है। ओके सो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं, जहाँ पर आपको एक केस दिया रहता है उसको समझ करके आपको बताना होता है। ओके यहाँ पर बात की जा रही है, मान लीजिए कोई एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, ओके जहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ ने जो है दे परफॉर्म इक्वली वेल, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया, बराबर परफॉर्म किया बोल सकते हैं। ओके सो किस प्रकार का ये हाइपोथेसिस कहलाएगा, रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, डायरेक्ट हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या हिस्टोरिकल हाइपोथेसिस। ओके सो इन द रिसर्च वी यूज जनरली नल हाइपोथेसिस। ओके नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि दो सब्जेक्ट या दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, इस चीज़ को नल हाइपोथेसिस हम बोलते हैं कि बेसिकली टू वेरिएबल दे डोंट हैव एनी रिलेशन। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, दे परफॉर्म वेल, जैसे कह रहे इसमें ऐसा रहता है कि मेल स्टूडेंट परफॉर्म बेटर देन गर्ल्स, या फीमेल स्टूडेंट, या फिर फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म बेटर देन मेल, देन काइंड ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो इन द नल हाइपोथेसिस देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल, सो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस विल बी करेक्ट आंसर। मेल एंड फीमेल परफॉर्म इक्वली वेल इन द न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, राइट। सो अगर यहाँ पर मेल स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर फीमेल स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं, देन ये नल हाइपोथेसिस नहीं होता। सो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द कंक्लूजन्स फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप्स ऑफ रिसर्च कैंट बी जनरलाइज्ड टू द अदर सिचुएशन, बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई रिसर्च हुआ है, ओके इसका जो भी फाइंडिंग्स है, जो कंक्लूजन है वो निकल के आया है, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो कंक्लूजन है, वो जो फाइंडिंग्स है, हम लोग यूज नहीं कर सकते दूसरी अदर सिचुएशन में, ओके या दूसरी सिचुएशन को हम जनरलाइज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके ऑफ कोर्स वी कैन मेक सम काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस, वो सब पॉसिबल है, बट वी कांट जनरलाइज अदर सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टडी। तो ये किस प्रकार का रिसर्च कहलाएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कॉज एंड कंपेरेटिव रिसर्च। देखिए एक्सपेरिमेंटल और कॉज एंड कंपेरेटिव ये तो ऑफकोर्स हो जाएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो स्टडी की जाती है वो अदर सिचुएशन में भी हम लोग लागू करते हैं। ओके सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होगा, ना ही कॉज कंपेरेटिव होगा। हम बात करेंगे हिस्टोरिकल और दी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, तो इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, तो ऑफकोर्स हिस्टोरिकल रिसर्च विल बी राइट आंसर। ओके किसी एक हिस्टोरिकल एविडेंस किया, उसका जो कंक्लूजन है, उसकी जो फाइंडिंग्स है, आप दूसरी किसी हिस्टोरिकल सिचुएशन में नहीं यूज़ कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते। यू कैन मेक प्रेडिक्शंस बट यू कांट जनरलाइज, यहाँ पर बात की जा रही है जनरलाइजेशन की, यू कांट जनरलाइज टू द अदर सिचुएशन। ओके सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर, हिस्टोरिकल इवेंट्स या हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स जो कंक्लूजन है एक हिस्ट्री की दूसरी हिस्ट्री पर, आप उस पर जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। यू कैन मेक प्रेडिक्शंस बट यू कांट जनरलाइज, सो ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर को तैयार करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं जब हम क्वेश्चन आर को बनाते हैं। सो राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम ऑफ द स्टडी, बोल सकते हैं कि जो उसके एम है, ऑब्जेक्टिव है, उनको लिखना। रिव्यू द करेंट लिटरेचर, ओके आरओएल, पहले से जो स्टडी हुई है उसको स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना, पढ़ना उसको। प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चन आयर, उसके बाद एक क्वेश्चन आयर का ड्राफ्ट तैयार करना। ओके नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें लिखना, देन उसके बाद रिवीजन ऑफ ड्राफ्ट, अब उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज कर देना कि सही सीक्वेंस में कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, उससे जुड़ा होना चाहिए क्वेश्चन, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन होगा। ओके इस प्रकार से प्रॉपर सिक्वेंसिंग की जाती है क्वेश्चन की, जिससे जो रेस्पोंडेंट है उसको क्वेश्चन के आंसर लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन और कोई सब्जेक्ट का ले लिया, दूसरा क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट है,
सो यू हैव टू कोरिलेट द क्वेश्चन ऑल्सो समटाइम्स, तो उसको आपको प्रॉपर रिवाइज करना होता है अब ड्राफ्ट. सो विच आंसर इज करेक्ट? देखिए चारों ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ए बी सी डी. ऑफ कोर्स स्टडी के आपके एम एंड ऑब्जेक्ट तो पता होना चाहिए, पहला सही हो जाएगा. और क्वेश्चन क्वेश्चन बनाने से पहले आपको स्टडी करनी होगी, पुरानी जो स्टडी हो चुकी है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होगा, तो ये भी करेक्ट है. बाकी दोनों तो सही है, सो डी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिजर्टेशन आर, आपको बताना है कि डिजर्टेशन के जो कोर एलिमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेप्स बोल सकते हैं जो है होते हैं डिजर्टेशन के अंदर. इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन. एग्जीक्यूटिव समरी, लिटरेचर रिव्यू, डेटा गैदर्ड, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, रिसर्च प्लान, रिसर्च डेटा एनालिसिस, रेफरेंस, या फिर इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन. सो इसमें आपको कौन सा आंसर ज़्यादा करेक्ट लग रहा है? देखिए स्टेप्स तो काफ़ी जो है इसमें लिखे हैं सभी होते हैं, बट जो सही सीक्वेंस है, जो सही क्रम है, उसको आपको बताना है. सबसे पहले क्या आता है? इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम लोगों ने डिस्कस किया था, देन उसके बाद आरएम, रिसर्च मेथोलॉजी, कौन सी मेथोलॉजी यूज करने वाले हैं, देन उसके बाद स्टडी करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद उसका डिस्कशन, देन कंक्लूजन लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में. ओके, तो ये सही है, डी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसर्च डेटा, मान लीजिए कोई डेटा है, कोई सीरीज है, ओके, इन इज अ विच इज सिमेट्रिकल इन शेप, सिमिलर टू दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेम है, बट उसका जो सेंटर पीक है वो ज़्यादा है. मतलब इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इस प्रकार से कोई कर्व है, ओके, उसका जो सेंटर पीक है वो ज़्यादा है, बट विच इज काइंड ऑफ सिमिलर शेप टू दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्टेसिस. तो किस प्रकार का होगा इसमें? मीजोक्रोटिक होगा, लेप्टोक्रोटिक होगा, या फिर प्लैटिक्रोटिक होगा? एक तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके, जिसको बोलते हैं मीजो क्यूटिक या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एक जिसमें क्वेश्चन में जो दिया गया है कि इसकी जो है पीक जो है सेंटर पीक है मच हायर है, बोल सकते हैं इस प्रकार से, इसे बोलते हैं पॉजिटिव कोर्टेसिस, लेप्टो क्यूरोटिक, ओके. और तीसरा होता है आपका नेगेटिव, जिसकी पीक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कम होती है, इसे बोलेंगे नेगेटिव कोर्टेसिस या फिर प्लेटी क्यूरोटिक, जो कि यहाँ दिया गया है. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सेंटर पीक इज मच हायर, दैट मीन्स पॉजिटिव क्यूरोटिक है, और लेप्टो क्यूरोटिक होगा, सी विल बी राइट आंसर. यहाँ पर इसका डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं, ओके. एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, जिसको आप मीजोक्रोटिक बोलते हैं, और जिसमें पीक हायर है बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे पॉजिटिव कर्टेसिस, लेप्टोक्रोटिक बोलते हैं, और जो नेगेटिव कर्टेसिस होगा उसको बोलते हैं प्लैटिक्रोटिक. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, आपको बताना है इनमें से कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसफुल, सिस्टमेटिक और स्ट्रेटिफाइड. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है बताइए? देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर कुछ एलिमेंट हैं जो किसी पॉपुलेशन के, दे हैव नो चांस, दे हैव नो चांस ऑफ सिलेक्शन, उसे बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. जबकि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें हर एक एलिमेंट, मान लीजिए 100 ये बॉक्स है, 100 इसमें से कोई 100 एलिमेंट है, इसमें सभी की प्रोबेबिलिटी होती है चांस होने की, उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. दैट एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज द चांस टू बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पल, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. बट इन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देयर इज द सम एलिमेंट विच डोंट हैव एनी चांस टू बी सिलेक्शन, सो विच आंसर करेक्ट? देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कई प्रकार की होती है, जैसे कि कोटा सैम्पलिंग है, राइट,
इसके अलावा कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है, जहाँ से डेटा इजीली एक्सेसिबल हो, उसे बोलते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग नेक्स्ट होता है आपका, पर्पसफुल सैम्पलिंग, और एक होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके, सो दीज आर द नॉन प्रिमिटिव सैम्पलिंग। सो इनमें से कौन सा इसमें से नहीं है, विच आंसर इज करेक्ट, विच ऑफ द, अच्छा नॉन प्रिमिटिव सैम्पलिंग है तो ऑफकोर्स पर्पजफुल सैम्पलिंग होगी, बी विल बी करेक्ट आंसर। हियर इज द एक्सप्लेनेशन, उसको आप पढ़ सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव सैम्पलिंग। ये बेसिकली हमारे नोट्स का ही एक स्नैपशॉट है, जो यूनिट 5 के नोट्स हैं उसमें से इसको मैंने यहाँ पर अटैच किया है। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, पर्पजफुल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। इनको आप पढ़ लेना। ओके, बिकॉज दिस इज अ मॉक टेस्ट, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे सब कुछ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज यूज, आपको बताना है कि सैम्पलिंग के अंदर जो लॉटरी मेथड होता है वो कहाँ यूज करते हैं, फॉर द इंटरप्रिटेशन, थियोराइजेशन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन और रैंडमाइजेशन। सो विच आंसर इज करेक्ट, ऑफकोर्स लॉटरी मेथड का मतलब क्या होता है, रैंडमाइजेशन करना, राइट। जैसे मान लीजिए 100, यहाँ पर मान लीजिए 100 इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एलिमेंट है, ओके, उन सभी को मिक्स कर देना, उसमें से कोई चूज करना, उसे बोलते हैं लॉटरी मेथड, है ना, उसे बोलते हैं रैंडमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19, सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द सैम्पल साइज, अगर आप सैम्पल साइज को कम कर देते हैं, जैसे मान लीजिए सैम्पल साइज 100 है, ओके, उसको आप घटा करके 70 कर देंगे, ओके, तो क्या सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगी, या फिर सैम्पल साइज बढ़ा करके सैम्पलिंग एरर कम होती है, प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन या फिर प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, तो किसके माध्यम से जो है सैम्पलिंग एरर कम हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, सैम्पलिंग एरर डिक्रीज व्हेन यू इंक्रीज सैम्पल साइज, इसको याद कर लेना। ओके, जैसे मान लीजिए 2% एरर है फॉर एग्जाम्पल 100 में से, तो अगर आप सैम्पल साइज बढ़ा देंगे, 200 कर देंगे, तो ऑफकोर्स कम हो जाएगी, राइट। जैसे यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये इससे सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगी जब आप सैम्पल साइज को बढ़ा देते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस, सैम्पल एरर डिक्रीज व्हेन सैम्पल साइज इंक्रीज, बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज, वर्किंग हाइपोथेसिस जो हम यूज करते हैं किसी भी स्टडी के लिए, उसको बोलते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। सो क्या है, प्रूवन हाइपोथेसिस है, या फिर नॉट रिक्वायर्ड फॉर टेस्टेड, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो गलत हो जाएगा। वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है कि जो आप यूज कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर स्टडी, एक ऐसी हाइपोथेसिस जिसको आपने टेम्परेरी रूप से अप्रूव कर दिया है कि ये थ्योरी है, इसको हमको अप्रूव प्रूव करना है, तो उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस, टेम्पररी अप्रूव्ड थ्योरी, ओके, उसको टेस्ट करना होता है, उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस या वर्किंग हाइपोथेसिस, तो सी विल बी करेक्ट आंसर, प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड जो है जो कि प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग और दी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। वी हैव डिस्कस दीज, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, कोटा, जजमेंटल, दीज आर द नॉन प्रोबेबिलिटी, राइट, दीज आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड स्ट्रेटिफाइड इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ओके, सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द होमोजेनिटी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी लेटर स्टेज में। प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है। हियर इज द एक्सप्लेनेशन, इसको आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको एक एपीए फॉर्मेट को बताना है, इनमें से कौन सा एपीए फॉर्मेट है। एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में आ जाता है। एपीए का मतलब होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए। अब इसका सही फॉर्मेट क्या है, आपको इनमें चार ऑप्शन को पढ़ना है और बताना है। सबसे पहले आएगा ऑथर का नाम, ओके, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ओके डॉट, फिर उसका टाइटल, ओके। नेक्स्ट आएगा आपका एडिशन, या अगर एडिशन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। पब्लिशर, उसके बाद आएगा आपका पब्लिशर, ओके। ऑथर का नाम कौन सा होगा, शर्मा, ये तो होगा नहीं आंसर, राइट, शर्मा भी, ओके, ये यहाँ तक सही है तीनों में। देन अंडर ब्रैकेट ईयर, अंडर ब्रैकेट ईयर किस में है, फर्स्ट में और डी में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पर आपका आएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है, ये गलत है, कॉमा नहीं आएगा, डॉट आएगा, तो ये आपका यहाँ तक करेक्ट है। तो ये ही ऑप्शन बचा है, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑथर का नाम ईयर, अंडर ब्रैकेट ईयर डॉट, यहाँ पर टाइटल, ओके, उसके बाद ये जो कहाँ पर पब्लिश हुआ है और पब्लिकेशन का नाम, पब्लिशर जो है, फर्स्ट विल बी राइट आंसर। हियर इज द एक्सप्लेनेशन, इसको आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ऑथर यहाँ पर रहेगा, उसके बाद आपका ईयर रहेगा, टाइटल रहेगा, एडिशन, पब्लिशर, प्रॉपर, ये है आपका सही सीक्वेंस है, राइट। ये आपका हो जाएगा टाइटल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये नाम हो गया, यहाँ पर आपको डॉट लगाना है, यहाँ पर जगह एंड पब्लिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द रिसर्च इन दी सही सीक्वेंस, इन दी करेक्ट सीक्वेंस। देखिए जो रिसर्च स्टेप्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दो तीन बार, बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम को बनाना, करेक्ट है, उसके बाद लिसनिंग टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स एम एंड ऑब्जेक्टिव तैयार करना, उसके बाद डाटा कलेक्ट करना, नहीं डाटा कलेक्ट करना बाद में आएगा, पहले आपको मेथोलॉजी तैयार करनी होगी, रिसर्च मेथोलॉजी, तो फोर्थ आएगा, उसके आप डेटा कलेक्ट करेंगे, तीसरा आ जाएगा, डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा को एनालिसिस करना होता है, तो पाँचवा आ जाएगा, और लास्ट में उसका डिस्कशन कंक्लूजन रिजल्ट आएगा। तो 1, 2, 4, 3, 5, 6, सो सेकेंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स, इसका मतलब क्या होता है बताइए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या होता है, ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट घट जाता है, घटना घट जाती है, उसके बाद जो स्टडी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं। और रिसर्च इज कैरिड आउट पीरियड टू द इंसिडेंट, कोई घटना घटने से पहले रिसर्च की जाती है, तो ऑफकोर्स ये तो होगा ही नहीं। और रिसर्च इज कैरिड आउट अलॉन्ग विद द हैपनिंग ऑफ इंसिडेंट, कोई घटना घट रही है उस टाइम पर स्टडी करना, या फिर रिसर्च इज कैरिड आउट कीपिंग इन द माइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि घटना घट सकती है इसलिए जो है स्टडी कर रहे हैं, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है इंसिडेंट के बाद, पोस्ट या बोल सकते हैं आफ्टर, आफ्टर इंसिडेंट, तो जो इंसिडेंट हुआ है, ओके, उसका क्या कॉज है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं, ओके।
ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन विच इज ऑलरेडी अकर, जो चीज़ घटना घट चुकी है उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या कॉजेस को स्टडी करने के लिए हम लोग जो है एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं होता है। ओके, सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। हेयर इज द एक्सप्लेनेशन, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी और यू कैन से आफ्टर द फैक्ट रिसर्च इज कैटेगरी ऑफ रिसर्च डिजाइन इन विच इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट आफ्टर द फैक्ट हैज अकर्ड। कोई घटना, कोई इंसिडेंट अगर हो गया उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिसर्चर, बिना किसी इंटरफेरेंस के। एक्स पोस्ट रिसर्च इज अ काइंड ऑफ स्टडी विच ट्राई टू प्रोडिक्ट द कॉज ऑफ द बेसिस ऑफ एक्शन दैट हैज ऑलरेडी अकर। कोई एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, कोई घटना घट चुकी है, उसके बाद जो स्टडी करते हैं उसका क्या कॉज है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए जो है इस स्टडी को किया जाता है। और यहाँ पर रिसर्चर किसी भी प्रकार से कोई भी वेरिएबल्स मैनिपुलेशन नहीं होता है एंड और चेंजेस दैट ऑलरेडी अकर एक्शन, जो चीज़ घटना घट चुकी है उसमें किसी प्रकार का वेरिएशन या मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। ओके, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन हाउ वेट इन्फ्लुएंस सेल्फ एस्टीम लेवल इन द एडल्ट। एडल्ट में जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है तो किस प्रकार से जो है सेल्फ स्टीम में इन्फ्लुएंस करता है, इस चीज को स्टडी करना है, उसे बोलेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो। ओके, सो दिस इज द एक्स पोस्ट फैक्टो, इसको समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 24, कंट्रोल ग्रुप एट कंडीशन इज अप्लाइड इन। आपको बताना है किस प्रकार के रिसर्च में कंट्रोल ग्रुप कंडीशन को अप्लाई किया जाता है, सर्वे, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ग्रुप कंडीशन, सर्वे, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड डिस्क्रिप्टिव। सो राइट आंसर विल बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सी विल बी करेक्ट आंसर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ट्रू रिसर्च भी बोला जाता है। ओके, इसमें जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको मैनिपुलेट करते हैं। ओके, किस प्रकार से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, किस प्रकार से चेंजेज आ रहे हैं, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए द इफेक्ट ऑफ द न्यू ड्रग ऑन द एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट। ओके, नए ड्रग का इफेक्ट देखना है, यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं डिफरेंट पेशेंट पर, देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर मेडिसिन का या इस ड्रग का ऑन द पेशेंट, तो उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। वी ट्राई टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट टू चेक दी डिटरमाइन द एनी काइंड ऑफ वेरिएशन इन दी डिपेंडेंट वेरिएबल, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या क्या पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। राइट, इसी प्रकार से जो है स्टडी की जाती है और जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ड्रग्स को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, न्यूटन गेव थ्री बेसिक लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन के द्वारा तीन नियम दिए गए थे। ओके, लॉ ऑफ मोशन के, इनमें से बताना है कि दिस रिसर्च इज कैटेगराइज इज एज, ये जो रिसर्च थी किस प्रकार की रिसर्च थी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, सैम्पल रिसर्च, सर्वे है, फंडामेंटल रिसर्च है या फिर अप्लाइड रिसर्च है। सो दिस इज द वेरी बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैंट बी एक्सप्रेस इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। आपको बताना है कौन से जो है वेरिएबल है क्वांटिटेटिव टर्म में जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एज ग्रुप, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड। तो इनमें से कौन सा जो है आप क्वांटिटी में बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में कि आपको क्वांटिटी के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। क्वांटिटी मतलब होता है नंबर्स में। ओके, एज कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कर सकते हैं, बट एटीट्यूड जो होता है, प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, उसको आप इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल या क्वांटिटिव फॉर्म में जो है एक्सप्रेस नहीं करते। सो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अ डॉक्टर स्टडी द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू ड्रग ऑफ डेंगू फीवर।
हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखा था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, किस प्रकार से कोई पर्टिकुलर ड्रग जो है कितनी इफेक्टिव है पर्टिकुलर पेशेंट पर, या मतलब डिफरेंट पेशेंट पर, राइट? वहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज करते हैं। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो वो कहलाती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यही यहाँ पर पूछा गया है। अडॉप्टर स्टडी द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी पॉजिटिव स्क्यू, नेगेटिव, लेफ्ट क्वाड्रेटिक और जीरो। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी क्या होता है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, लेफ्ट क्वाड्रेटिक होगा या फिर जीरो होगा, ये आंसर आपको लगाना है। देखिए यहाँ पर लिखा है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व मतलब होता है कि जीरो स्क्यू, राइट? इसके का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पर आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर है, ओके, उसे बोलते हैं जीरो स्क्यू, बिल्कुल भी वहाँ पे स्क्यूनेस नहीं है, ओके। अगर सिमेट्री नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है, तो वहाँ बोलेंगे लैक ऑफ सिमेट्री, जहाँ पर मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू एक जैसी नहीं होती, तीनों की वैल्यू बराबर नहीं होती है, कोई बड़ी कोई छोटी रहती है, उसको बोलते हैं लैक ऑफ सिमेट्री, तो वहाँ पर स्क्यूनेस आ जाती है, ओके। तो दो प्रकार की स्क्यूनेस होती है, एक तो होती है आपकी पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, ओके। पॉजिटिव स्क्यू में क्या होता है कि जहाँ पर मीन आपका सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मीडियन और फिर मोड आएगा, और इन दी नेगेटिव स्क्यू पहले आएगा आपका मीन, मतलब मीन सबसे छोटा होगा, उसके बाद आपका होगा मीडियन और सबसे बड़ा आपका मोड हो जाएगा, इसे बोलते हैं नेगेटिव स्क्यू। तो यहाँ पर जीरो स्क्यू होगा, यहाँ पर बोला गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट? इस प्रकार से बोल सकते हैं, ये आपका हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जहाँ पर मीन, मीडियन, मोड बराबर तीनों, ओके। पॉजिटिव स्क्यू में क्या होता है, इस प्रकार से रहता है, ये आपका मान लीजिए मोड हो गया, ये होगा आपका मीडियन, और मोड आपका यहाँ से खिसक के यहाँ चला जाएगा मीन, और नेगेटिव में जनरेट का उल्टा होता है, ये आपका हो जाएगा मोड, ये मीडियन और ये मीन, राइट? मीन जिसमें सबसे छोटा रहता है, मोड सबसे बड़ा। यहाँ पर प्रॉपर डायग्राम के साथ बनाया गया है, इसको आप देख सकते हैं, ओके। पॉजिटिव स्क्यूनेस कब आता है? जैसे मान लीजिए एक डेटा सेट है, एक रेंज है 10, 15, 20, 30, 26, 32, 90। अब इसमें जो 90 जो वैल्यू है वो अचानक से बड़ी वैल्यू है, राइट? तो जो झुकाव इस तरफ हो जाएगा इसका, राइट, पूरे पूरे डेटा सेट का, तो इसे बोलते हैं स्क्यूनेस। किस तरफ? मीन की तरफ। तो मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है 90 पूरे पूरे सम को बढ़ा देगी, राइट? तो मीन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इस ये आपका हो जाएगा आपका पॉजिटिव स्क्यू। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 150, 170, 190, 210, 250 और 10, ये जो 10 वैल्यू है बहुत छोटी वैल्यू है, राइट? तो जब पूरे के पूरे सम में 10 जुड़ेगा, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ द सम से, तो जो है उसका मीन की वैल्यू है कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसका मीन हो रहा है 190, अब इसमें 10 जब पूरे सीरीज में जुड़ जाएगा तो मीन कम हो जाएगा, तो मीन यहाँ कम होगा तो इस तरफ आ जाएगा झुक के, राइट? तो यहाँ पर मीन की वैल्यू सबसे कम होती है, ओके। और ये फॉर्मूला है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मून, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसको अच्छे से समझ लेना, समझना क्या इसको बस याद कर लेना, ओके। आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं, और असिमेट्री दो प्रकार की होती है, ओके, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में क्या होता है कि अगर कोई एक अचानक से वैल्यू ऐसी आ जाती है पूरी रेंज में जो कि बहुत बड़ी है, तो मीन की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जब मीन बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स मीन इस तरफ से, यहाँ से ये यहाँ पर तीनों हैं तो खिसक के इस तरफ कहीं आ जाएगा, राइट? या फिर अगर रेंज ऑफ वैल्यू में कोई वैल्यू छोटी जुड़ जाती है, बहुत छोटी वैल्यू, तो उससे मीन कम हो जाता है, तो मीन आपका जैसे ये है, ये मीन मीडियन मोड है, यहाँ पर कम हो जाएगा तो इस तरफ कहीं आ जाएगा मीन, राइट?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अ नल हाइपोथेसिस इज, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, वेयर देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, एंड द सेम एज रिसर्च हाइपोथेसिस। तब हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस एक ही होती है क्या? सब्जेक्टिव इन द नेचर व्हेन देयर इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल। तो ऑफ कोर्स नल हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, राइट, उसे बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो है कोई ना कोई डिफरेंस है, हो सकता है मतलब वी वन बड़ा होगा वी टू से, या वी टू बड़ा होगा वी वन से, इस प्रकार से कुछ ना कुछ रिलेशन उसमें होगा, या बोल सकते हैं इसमें कोई कोई रिलेशन नहीं होता है इन द नल हाइपोथेसिस इन द टू वेरिएबल। ओके, अब रिसर्च हाइपोथेसिस सेम नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट, हो सकता है कि हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज कर रहे हो या फिर नल हाइपोथेसिस यूज कर रहे हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ये सही हो जाएगा। तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द प्रोसेस नॉट नीडेड इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑफ कोर्स करेंगे, मैनिपुलेशन होता ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल करना होता है, ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग होती है, एंड कंटेंट एनालिसिस नहीं होता है। ओके, सो ये आपका गलत हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट नीडेड। कंटेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि इंटरप्रेट करना कोडिंग के माध्यम से जो टेक्सुअल मटेरियल है उसको, ग्राफ्स हैं, ओरल कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंट है, उनको कन्वर्ट करना है इन दी क्वांटिटेटिव फॉर्म में। सो आपका डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, एक काइंड ऑफ रिसर्च टेक्निक है जिसका यूज करते हैं हम लोग टू मेक रेप्लीकेबल एंड वैलिड इन्फ्रेंस बाई इंटरप्रेटिंग एंड कोडिंग टेक्सुअल मटेरियल। ओके, बाई सिस्टमेटिकली इवेल्युएटिंग टेक्स्ट, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरल कम्युनिकेशन, ग्राफ ग्राफिक्स वगैरह है, सो क्वालिटेटिव डेटा कैन बी कन्वर्ट इंटू द क्वान्टिटेटिव डेटा, उसको बोलते हैं कॉन्टेंट एनालिसिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बिबलियोग्राफी गिवन इन ए रिसर्च रिपोर्ट, बिबलियोग्राफी क्या दर्शाती है, आपको ये बताना है रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो लास्ट में हम लोग बिबलियोग्राफी ऐड करते हैं वो क्या है। दैट सो वास्ट नॉलेज ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर के नॉलेज को दर्शाता है, या फिर ये हेल्प करता है दोज इंटरेस्टेड इन दी फर्दर स्टडी, कि जैसे मान लीजिए एक रिसर्च है, इसमें नीचे बिबलियोग्राफी ऐड है और आप इसको स्टडी कर रहे हैं एज ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर के रूप में। ओके, तो आप बिबलियोग्राफी देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लिंक दिए रहते हैं कि ये जो रिसर्चर है इसने कहाँ कहाँ से स्टडी किया है, तो आप भी उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, तो दैट इज़ हेल्पफुल फॉर अदर रिसर्चर इफ दे आर इंटरेस्टेड, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। हैज़ नो रेलिवेंस टू रिसर्च, कोई रिलेवेंस नहीं है तो हम लोग ऐड ही क्यों करेंगे, राइट, एंड ऑल द अबव। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 में। यहाँ पर देख सकते हैं कि आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, राइट, क्वेश्चन नंबर 32 में, ये दोनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे, राइट, ये तो गलत ही हो जाएगा। सो द वास्ट नॉलेज ऑफ रिसर्चर ये भी दर्शाता है कि उसने कहाँ कहाँ से स्टडी किया है, दूसरा अगर और कोई इंटरेस्टेड है फर्दर स्टडी के लिए तो वो भी उसका हेल्पफुल हो जाता है उसके लिए, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगर इसमें अगर आपको डी मार्क करना है जैसे कि मान लीजिए, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं हैज मच रेलिवेंस ऑन दी रिसर्च। ओके, तो इससे आप डी भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर अदरवाइज आपके दो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। ओके, जैसे कि ये बिब्लियोग्राफी का मैंने यहाँ पर स्नैपशॉट लगाया हुआ है, तो ये जो यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल दिया रहता है, तो अगर मान लीजिए आप भी स्टडी करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि ये जो शायद ये जिस ऑथर के द्वारा ये जो बुक लिखी गई है या फिर जो लिंक यहाँ पर दिया गया है हमारे लिए भी यूज़फुल हो सकता है, तो आप इसको भी ओपन कर सकते हैं अपनी स्टडी की फर्दर स्टडी के लिए। तो ये एक तो रिसर्चर का नॉलेज बताता ही है कि उसने कहाँ कहाँ से स्टडी किया है, और बाकी आप भी यूज कर सकते हैं ये सभी को। दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, दैट हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन द फर्दर स्टडी एंड ऑल्सो सो द वास्ट नॉलेज ऑफ रिसर्चर। क्वेश्चन नंबर 33, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल इज टेक्निकली नोन एज, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, पैरामीटर इन्फ्रेंस, स्टैटिकल इन्फ्रेंस और ऑल द।
जनरलाइज मतलब कंक्लूजन निकालना ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल, राइट। उसे क्या बोलते हैं, जैसे कि 100 सैंपल्स हैं, इसमें से कुछ सैंपल निकाल लीजिए, पॉपुलेशन है टोटल, इसमें से मान लीजिए 10 सैंपल ले लिए, उसके आधार पे आप एक इन्फ्रेंस तैयार कर रहे हैं, प्रिडिक्शन दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं स्टैटिकल इन्फ्रेंस, अनुमान लगाना। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान करना, प्रिडिक्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द हेटरोजीनियस पॉपुलेशन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पर हमको सैम्पलिंग यूज करना है, तो कौन सी सूटेबल सैम्पलिंग यूज होगी अगर पॉपुलेशन जो है हेटरोजीनियस है। हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, जैसे कि मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, ओके, इसमें कुछ बूढ़े लोग हैं, कुछ यंग है ना, कुछ बच्चे हैं, तो ये आपका कहलाएगा हेटरोजीनियस पॉपुलेशन। और होमोजीनियस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इस पूरे के पूरे ग्रुप में गर्ल्स हैं, ओके, एक पूरे के पूरे ग्रुप में बॉयज़ हैं, एक पूरे के पूरे ग्रुप में मान लीजिए ओल्ड एज पर्सन पीपल हैं, तो ये कहलाते हैं होमोजेनियस ग्रुप, जहाँ पर एक जैसी एक एकरूपता होती है, और जहाँ पर डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, डिफरेंट तरीके के सैंपल होते हैं, वहाँ बोलते हैं हेटरोजीनियस ग्रुप। तो वहाँ पर हम यूज करते हैं क्लस्टर सैंपलिंग को, ओके, जहाँ पर पॉपुलेशन हेटरोजीनियस है वहाँ पर हम क्लस्टर सैंपलिंग करेंगे, और जहाँ पर होमोजीनियस है वहाँ पर हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करेंगे। यहाँ पर इसका एक स्नैपशॉट देख सकते हैं। देखिए स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो स्ट्राटा में डिवाइड हो जाती है, बट दे आर होमोजेनियस, यू कैन सी दिस कलर, दे आर सेम कलर, राइट, दे आर द सेम कलर। अब इसी ग्रुप में से हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, राइट, जैसे 3 सेलेक्ट कर लिए, दूसरे ग्रुप में से 1 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद थर्ड ग्रुप में से 1 सेलेक्ट कर लिया, तो ये जो ग्रुप है ये होमोजेनियस है, एक जैसे कलर है। और क्लस्टर सैम्पलिंग में हम जो सिलेक्शन करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, वो हेटरोजेनियस ग्रुप से करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चारों के चारों जो बॉक्स हैं डिफरेंट कलर के, और चारों को सिलेक्ट कर लिया, तो मतलब क्या हुआ कि जो जो ग्रुप था, जो हेटरोजीनियस ग्रुप था, उसको सिलेक्ट किया है, ओके, वहाँ से डेटा या वहाँ से सैम्पलिंग की है, तो उसे बोलेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू दी क्लस्टर्स दैट इज हेटरोजीनियस ग्रुप, और इन दी क्लास इन दी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू दी स्ट्राटा, और जो स्ट्राटा है वो होमोजीनियस ग्रुप है, ओके। आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, तो आपका फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग। आपको बताना है कि नॉन प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग इसमें से कौन सा है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कंटीन्यूअस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो बताइए, अभी हम लोगों को डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसमें आपका आ जाएगा कन्वेंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग, ये आपके कहलाएंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो डी विल बी करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। यहाँ पर हम लोगों ने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और रिमेनिंग 35 डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में, पार्ट वन में 35, पार्ट सेकंड में 35, ओके। और काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में भी हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें पी वाई क्यू भी डिस्कस करेंगे जो कि कई बार रिपीट हुए हैं, ओके, इन दिस सेकंड पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मिस्टेक से मैंने कोई गलत आंसर मार्क किया है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।